हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी WBP वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। वेल, आज के इस एपिसोड को थोड़ा सा डिफरेंट मौजू है मेरे पास। इट्स अबाउट हेरिटेज और टूरिज्म और रिलीजियस कल्चर, जो कि सिख यात्री, इसके बारे में मैं ये बात करना चाहता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त मिडिल ईस्ट में जब हमने काम किए, तो हमारे साथ बहुत से इंडियन पंजाब से हमारे साथ काम करते थे, और एक जो डिफरेंट सी एक बात है वो ये है कि जो साउथ इंडियन है, ज़्यादातर साउथ इंडियन है मिडिल ईस्ट में, मैनी पीपल नो कि जो वहाँ पे काम करते हैं, तो उनकी लैंग्वेज या उनका जो खाना पीना है, उनकी ड्रेसिंग है, वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। अब होता यह था कि हम लोग कभी दोपहर का जब खाना खाते थे साइड्स में, यू नो, शहर से दूर जब हम होते थे, काम करने के लिए जाते थे, हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। तो मोस्टली जो सिख या पंजाबी लोग हैं वो हमारे साथ बैठ के खाना खाते थे। उसकी एक वजह यह थी कि ये सिख सरदार जो है, ये रोटी ज़्यादा खाते हैं कंपेरेटिवली, चावल की नस्बत ये लोग रोटी, बाकी जबकि बाकी का तमाम इंडिया जो है वो लोग चावल खाते हैं। खैर, ये बात तो एक और एंगल से मैं कर रहा हूँ। सो वी हैव एक्चुअली, कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमारी आपस में एक बॉन्डिंग है, एक ज़ुबान है। हाँ, इसमें जो मज़ेदारी वाली बात यह है कि जो आमतौर पे साउथ इंडियन लोग हैं, वो उनकी लैंग्वेज इवन हिंदी से भी मुख्तलिफ है, तमिल है, तेलुगू है, मलयालम है, जबकि हम लोग यानी उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें बड़ा मुश्किल होता था समटाइम। लेकिन सरदार जी के साथ कम्युनिकेट करना तो कोई कम ही कोई नहीं, वो पंजाबी, वो भी पंजाबी बोलते, हम भी पंजाबी आपस में बोलते थे, तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन थी हम में। एक और चीज़, मोस्टली जो सरदार हमें वहाँ पे दुबई शारजा में मिलते थे, ज़्यादातर ने पाकिस्तान देखा हुआ होता था, क्योंकि वो अपनी वो आया करते थे यहाँ अपने वो मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, ननकाना साहब या और जितनी भी उनकी जगह हैं। तो आई रिमेंबर, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि मुझे याद है कि इट वाज दिसंबर, लेकिन रोला बाजार है, बाजार का नाम है रोला। अच्छा बेटा, ओके ओके बाबा, थोड़ी देर, फाइव मिनट। अच्छा, ओके, वन मिनट। आप एक राउंड करो, मैं अभी करता हूँ आप। ओके ओके, अच्छा। तो वो वहाँ पे ना, एक तो फेस्टिवल सा लगा करता था वो पूरा, अब मुझे नहीं पता कि अब उस मैदान अल रोला की क्या पोजीशन है, रोला स्क्वायर में। अच्छा, मैं अपने एक दोस्त के साथ था, और मेरा वो दोस्त मलबारी था, यानी मलयालम, और मैं ऐसे ही, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी शायद कुछ काम था, तो मैं कुछ गर्म टी शर्ट्स या स्वीटर्स या कुछ इस तरह की जैकेट्स ख़रीदना चाह रहा था, बिकॉज इट वॉज़ दिसंबर, तो मुझे पता था कि अब मैंने जैसे लाहौर में आना है, तो मैं आई वॉज़ टॉकिंग टू माई फ्रेंड के यार, नहीं, लाहौर में तो बहुत सर्दी है, तो वो मुझे, उसको तो नहीं पता था, तो अब मैं ये कह रहा था कि यार ये स्वेटर या ये जैकेट जो है, ये लाहौर की सर्दी कंट्रोल कर लेगी, या कोई और गर्म मैं देख लूँ। तो वो जो सरदार जी या जो दुकान के मालिक मियाँ बीवी दोनों थे, वो बैठे थे, तो उन्होंने कहा, पंजाबी में उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि लाहौर दी भी नहीं, ए मरी दी सर्दी भी कंट्रोल कर लेगी, बेफिक्र होकर जा। अब एक्सेंट उनका वो इंडियन पंजाब वाला था, सो मुझे एक थोड़ा सा सरप्राइज़ भी हुआ कि आई मीन हाउ ही नोज़ अबाउट मरी एंड देन लाहौर। कहता है लाहौर में तो कुछ भी नहीं, लाहौर में क्या सर्दी पड़ती है। तो मैंने अब वो जैकेट पकड़ी, पास ही जो काउंटर था, मैंने उनके पास जाके बात की, मैंने कहा सर आपको कैसे पता लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, और एक तो शहरों का और भी नाम दिया उन्होंने सर्दी के अतबार से। तो कहते हैं यार मुझे सारे पाकिस्तान का पता है। तो मैंने कहा, मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि मेरे साथ जो मेरा दोस्त है वो भी इंडियन है, अब जिस शॉप पे मैं शॉपिंग कर रहा हूँ वो भी इंडियन है, और लेकिन वो, उसे अब समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सी फीलिंग था, विच आई रिमेंबर, जो कि अभी भी मेरे कानों में वो आवाज़ गूंजती है। उन्होंने कहा कि लाहौर जिन्ना सानू जान नाल प्यारा है, तुहानू ही नहीं होना, यानी लाहौर जितना हमें प्यारा है, हमें लाहौर या पाकिस्तान प्यारा है, शायद तुम्हें भी नहीं इतना प्यारा होगा। यार उस बंदे ने ना एकदम ना मुझे इमोशनल कर दिया। मैंने कहा सरदार जी जफ़ी पाओ, यू नो आप। और वो फिर मज़े की बात ये कि वो मतलब वो पैसे भी नहीं ले रहा था, यू नो, शॉपिंग मैंने वहीं से की,
बट बड़े इसरार के साथ मैंने, खैर उसको पैसे तो दिए, लेकिन मुझे वो जो अपना मेरा जो साउथ इंडियन दोस्त है उसके सामने मुझे एक थोड़ा सा एक अच्छा फील हुआ। उसे भी वो भी बड़ा खुश था इस बात से कि आई मीन देर इज़ समथिंग कॉमन इन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज़ पंजाबी लैंग्वेज, पंजाब कल्चर, ये कॉमन चीज़ है। तो इस मौजू के अतबार से मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में मज़ीद कुछ बात करूँगा जो मेरा असल मौजू है। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जो हेरिटेज है पंजाब में जो इन सिख यात्रियों का है, गोया के अब तो ये करतारपुर वाला कॉरिडोर भी ओपन है, ननकाना साहब और अहमदाबाद के पास भी कुछ जगह हैं जो इनकी मुकद्दस मुकामात हैं। बट जब YouTube पे मैं कुछ क्लिप्स देखता हूँ तो वो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ गांवों में छोटी छोटी और जगह भी उनके गुरुद्वारे ऐसे हैं जो तारीखी एतबार से जहलम के पास भी है शायद कोई एक, उनका कोई बड़ा एक कुछ जगह है। सो देर आर मैनी प्लेसेस। अब जब मैं वीडियोस में देखता हूँ बहुत सी जगहों को, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारी हुकूमत कह लें या हमारे लोग कह लें, उन्होंने उसको एक रखा है जितनी वो पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसके ज़रा एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए होती है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं, लाइक ये सैकड़ों सालों पर मुहित है। आई जस्ट वॉन्ट टू सेव दिस कल्चर। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस कल्चर को, इस इन मुकामात को, इन इमारतों को हम इनको महफूज भी कर सकें। और इसके साथ साथ मोस्टली वीडियोस में जब पुराने लोग जिनका बचपन शायद यहाँ पे गुज़रा होगा, 8 साल 10 साल के थे तो उनको पार्टीशन की वजह से वहाँ जाना पड़ा, ऐसे कई मैं वीडियो क्लिप्स देखे यूट्यूब पर कि जब वो आते हैं और वो उनके साथ उनके पोते पोतियाँ यानी तीसरी नस्ल भी शायद उनके साथ होती है और वो बातें बता रहे होते हैं और उनको कई अपनी एज के या अपने बचपन के दोस्त मिल भी जाते हैं जिनके साथ के वो बातें कर रहे होते हैं, पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं। अच्छा वो फलाने दा याद ही, फलाने दा याद ही, तुम्हारे साथ मैं ऐसे कुश्ती किया करता था। और वो जो इधर के पुराने बुज़ुर्ग या उधर के पुराने बुज़ुर्ग जब आते हैं, इट्स रियली वेरी इमोशनल। तो ये है कि जहाँ इन तारीखी इमारतों को बचाना है वहाँ ऐसे जो बुज़ुर्ग जो कि पता नहीं कितने जा चुके हैं लेकिन शायद गिनती के चंद एक हैं और शायद बहुत थोड़ा वक्त है हमारे पास, एटलीस्ट इन इंसानों को, इनको तलाश किया जाए, इनसे बातें सुनी जाएँ, क्योंकि वो जो बातें बताया करते थे, जो बच्चे हैं, जो तीसरी नस्ल है या चौथी नस्ल है, वो इधर की भी या उधर की भी, वो ऐसे वो देख रहे होते हैं और उनके चेहरे देखने वाले, उनकी आँखें देखने वाली होती हैं उन बुज़ुर्गों की। उन हमारा फ़ख्र है, हमारा मान है, मैं बहसीत पंजाबी मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और इस वीडियो के थ्रू मेरा उन सब अपने भाइयों को पैगाम है कि हम लोग हमेशा आपको वेलकम किया है, इंशाल्लाह आइंदा भी वेलकम करेंगे। वी बिलीव कि आप लोग मतलब ज़ाहिर है इस मिट्टी से ही पैदा हुए हैं। आई एम नॉट गोइंग इन टू टू पोलिटिकल व्यूज़ के, अच्छा बेटा अभी घर जाते हैं वो अपनी जगह पे हैं, बट येस फाइन वी हैव एक बॉर्डर है, ठीक है, मैं उन चीज़ों के मतलब वो अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट वी कैन यानी कि हमारे दीवारें तो बन गई बीच में, एक बॉर्डर जो बन गया है, ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन ये जो दरवाजे हैं ना ये खुले रखने चाहिए और ये लोग जब भी आए, ऑल दो आई एम श्योर कि ये लोग एक सेटिस्फाइड ही यहाँ से जाते हैं, बट स्टिल मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि ज़्यादा खुश, ज़्यादा सेटिस्फाइड जाएं और ज़्यादा हम लोग जो अपनी एफर्ट्स हैं वो कर सकें और इनके मुकामात को महफूज करने के साथ साथ हमारे अपने लोगों का जो रवैया होता है पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से हम लोग उनको वेलकम करते हैं। और इट्स पार्ट ऑफ आवर नेचर बिकॉज वी बिलीव के क्योंकि एक जो सिमिलैरिटी है विच इज़ अ रियलिटी वो एक है और हम उस चीज़ की कदर करते हैं। दिस इज़ वट बस ये मेरा आज के वीडियो का फ़िलहाल एक मुख्तसर सा पैगाम था। आइंदा वीडियोस में मैं इंशाल्लाह कुछ तारीखी मुकामात के हवाले से भी आप लोगों से बात करूंगा और उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहूंगा। मेरे अपने जो दोस्त हैं, आई रिमेंबर बलबीर सिंह, थैंक यू वेरी मच, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और भी जितने भी आपके साथ हैं, मुझे याद है जगजीत भी था, अब काफ़ी बड़ा हो गया होगा और भी इंशाल्लाह, सेंड माय रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी और इंशाल्लाह आप लोग, निक्का सिंह, यस आई रिमेंबर। तो एक और भी था, एकता सिंह पता नहीं करके था हमारे साथ,
वो जो नजार का काम करता था। सो बिट्टू यस यू आर एज वेल। सो इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा फिर इंशाल्लाह इस वीडियो के थ्रू मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। हाँ अभी ओके ठीक है। सो ओके दैट्स इट फ्रॉम मी। ओके खुदा हाफिज़।